प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का ये सबसे बड़ा धमाका है। मैं अमित अनिल चंद्र सा ईश्वर की शपथ लेता हूं। बीजेपी अध्यक्ष के रूप में अपने हुनर का लोहा मनवाने वाले शाह को उन्होंने शानदार काम का इनाम देते हुए देश के गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गुरुवार की शाम को अमित शाह ने मोदी और राजनाथ सिंह के बाद तीसरे नंबर पर शपथ ली थी, लिहाजा कयास यही लगाए गए कि उन्हें वित्त मंत्रालय का जिम्मा दिया जा सकता है। लेकिन मोदी ने एक बार फिर सबको चौंका दिया। मोदी की कैबिनेट में अमित शाह से भी सीनियर साथी है, लेकिन शाह मोदी के सबसे ज्यादा भरोसेमंद साथी है। उनकी जोड़ी बड़ी पुरानी है। गुजरात में जब मोदी मुख्यमंत्री थे तो भी उन्होंने अमित शाह को राज्य का गृह मंत्रालय सौंपा था। अमित अनिल चंद्र शाह गुजरात राज्य ना राज्य कक्षाना मंत्री तरीके। अब मोदी प्रधानमंत्री है और उन्होंने अपने दाएं हाथ अमित शाह को कैबिनेट में सबसे ऊंची जगह दे दी है। तो नरेंद्र भाई, मोदी और अमित शाह की जो बॉडी केमिस्ट्री है, दोनों एक दूसरे को इशारे में समझते हैं। मोदी जी अगर एक सेंटेंस कह दे तो उससे अमित भाई समझ जाते हैं कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो दोनों के बीच तालमेल जो है वो बहुत अभूतपूर्व है। मोदी ने अमित शाह को गृह मंत्रालय जैसी अहम जिम्मेदारी सौंपी तो इसके पीछे भी कई ठोस वजह है। अमित शाह के साथ मोदी की केमिस्ट्री सबसे बढ़िया है। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर शाह देश भर में घूमे हैं, बूथ लेवल तक की स्थिति से वो वाकिफ है। गुजरात के गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने कामयाब पारी खेली है। शाह तेजी से फैसले लेने में माहिर है, कठोर फैसले लेने में भी वो हिचकते नहीं। शाह के गृह मंत्री बनाने के साथ ही मोदी ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद और नक्सलवाद पर भारत का और भी ज्यादा कड़ा रुख होगा। अमित शाह दो पक्षों के बीच बातचीत में माहिर है, लिहाजा वो पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्तों में अहम भूमिका निभा सकते हैं। रोहिंग्या मुसलमानों और घुसपैठियों पर लगाम लगाने और असम में NRC की दिक्कतों को दूर करने में भी अमित शाह अहम भूमिका निभा सकते हैं। उसको किस हद तक ये कंट्रोल कर पाएंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन वास्तव में ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है और इसका मुख्य कारण एक ही है, नरेंद्र मोदी का अमित शाह के ऊपर अटूट भरोसा। अमित शाह को नरेंद्र मोदी ने बहुत सोच समझकर गृह मंत्री की कुर्सी सौंपी है, लेकिन अमित शाह के लिए गृह मंत्रालय की डगर फूलों भरी नहीं होगी। इस राह में कांटे और चुनौतियां भी कुछ कम नहीं। शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आतंकवाद और नक्सलवाद से निपटना अमित शाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। देश के कई राज्यों में आंदोलन के नाम पर हिंसा से निपटने की भी चुनौती उनके सामने होगी। पूर्वोत्तर के राज्यों में NRC में आई दिक्कतें दूर करवाने की भी चुनौती होगी। अमित शाह के गृह मंत्री रहते माना जा रहा है कि आतंकियों की मदद करने वाले अलगाववादियों पर और भी कठोर कार्रवाई होगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। अमित शाह करिश्माई नेता है। अपना कौशल वो सीट मैनेजमेंट से लेकर बूथ मैनेजमेंट तक दिखा चुके हैं। मोदी से उनकी केमिस्ट्री इस कदर है कि सरकार में कौन कौन से लोग मंत्री के तौर पर शामिल होंगे इसका भी फैसला इन्हीं दोनों ने मिलकर लिया। अब गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह के सामने एक और अग्नि परीक्षा है और अमित शाह हर मुश्किल को आसान बना देने के लिए ही जाने जाते हैं।